नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज एक्सपायरी वाले डे पे हमने किस तरीके से ट्रेड बना के कुछ 30,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट किया। साथ साथ बताऊंगा कौन से स्टॉक आज आपको रिकमेंड करे थे और आज के दिन यानी कि एक्सपायरी वाले डे पे आप निफ्टी में कैसे ट्रेड बना के सेफ ट्रेड करके यानी कि ऑप्शन राइटिंग करके किस तरीके से आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो यहां पे दोस्तों पहले मैं आपको लेके जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे और आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक हमने आपको रिकमेंड करे थे, फिर आपको बताऊंगा कि ऑप्शन की कैसी स्ट्रेटजी जो आप एक्सपायरी वाले डे पे इंप्लीमेंटेशन करके पैसा बना सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों क्या करेंगे, यहां पे हम लेके जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको समझाते हैं। तो यहां पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चार्ट एनालिसिस चैनल, पहला जो स्टॉक आपको रिकमेंड करा था दोस्तों वो था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में दोस्तों एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और ये जो पैटर्न बनाता है दोस्तों ये फॉर्म हुआ था वीकली के चार्ट पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जिंदल स्टील के चार्ट पे जाते हैं और जिंदल स्टील के चार्ट पे हम इसे समझते हैं। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे चार्ट को और मैं क्या करता हूं दोस्तों वीकली चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। यहां पे देखेंगे दोस्तों, यहां पे मैं आपके सामने यहां पे इसको जूम कर देता हूं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों जब इसका रेट चल रहा था 317 रुपए के आसपास, 315 से 317 का रेट था, तो यहां पे हमने आपको रेकमेंड कर दिया था कि अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं क्योंकि बेरिश एंगल्सिंग पैटर्न बना हुआ था। तो यहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के इंट्राडे के लिए पैसा बना सकते हैं। वीकली चार्ट पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ट्रेड होगा बिल्कुल पोजिशनल होगा, आप इंट्राडे बेसिस पे आप ट्रेड बना सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपको क्या करता हूं कि यहां पे पहले आपको बताता हूं कि जिंदल स्टील में ये जो पैटर्न बना था बेरिश एंगल्फिंग, तो यहां पे सेलिंग कंफर्म हो गई थी। इसका जो स्टॉप लॉस था दोस्तों अगर मैं बात करूं वो बनता था 345 के आसपास का। तो यहां पे दोस्तों अगर हम इंट्राडे में यानी कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड बनाते तो अगर आज ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होती या फिर हो सकता था कि इसका जो एसएल है, वैसे इसका एसएल और टारगेट काफी ज्यादा बड़ा था जो इंट्राडे में पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या करा दोस्तों, इसमें ऑप्शन राइटिंग करी। ऑप्शन राइटिंग ऐसे करी, हमने क्या करा 330 वाली कॉल को हमने शॉर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे मैं डायरेक्टली यहां पे लेके जाता हूं और यहां पे मैं अपना ट्रेड आपके सामने आपके साथ दिखाता हूं। दोस्तों यहां पे देखेंगे ये ट्रेड हमने क्या करा था, जिंदल स्टील में बनाया था। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं, मैं आपको क्या करता हूं अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब मैं डेली बेसिस पे आपका ऑर्डर बुक इसलिए दिखा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अभी हम जो ट्रेड बना रहे हैं वो ऑप्शंस में ट्रेड बना रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कम मार्जिन से आप कैसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों जिंदल स्टील देखेंगे, यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां पे जिंदल स्टील हमने आज जो शॉर्ट करा था यहां पे देखेंगे 5.15 रुपए पे किया था और आज इसकी यहां पे बात करेंगे दोस्तों जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 2.85 रुपए के आसपास। तो यहां पे अगर हम होल्डिंग पे जाते हैं तो होल्डिंग पे ऐसे यहां पे होल्डिंग को शो नहीं कर रहा, बट हम क्या करेंगे पोजीशन पे जाते हैं और पोजीशन पे जाके ही यहां पे चेक करेंगे। तो जिंदल स्टील आप देख रहे हैं दोस्तों हमने सेल करा था 5.15 रुपए पे, इसकी क्लोजिंग हुई है दोस्तों 2.85 रुपए की। और दोस्तों ये जो ट्रेड है हमारा पोजिशनल ट्रेड है, लिखा हुआ है पोजिशन यानी कि इंट्राडे का नहीं है, हमने पोजिशन बनाई हुई यानी कि नेक्स्ट वीक यानी कि 25 मार्च को दोस्तों एक्सपायरी में अपनी पोजिशन इसमें स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। यहां पे दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें जिंदल स्टील में दिखा रहा है 11,500 रुपए का। अब 11,500 रुपए का प्रॉफिट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 5.15 रुपए पे हमने क्या करा था 330 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया था, क्लोजिंग हुई है 2.85 रुपए की और हमने इसमें ऑप्शन में पोजीशन क्यों बनाई, इसका रीजन क्या था यहां पे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों अब क्या करेंगे, मैं आपको यहां पे बताता हूं कि हमने जिंदल स्टील में पोजीशन शॉर्ट में क्यों बनाई यानी कि हमने इसकी 330 वाली कॉल को क्यों शॉर्ट करा। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों मैं लिख देता हूं 330 वाली यानी कि 330 वाली कॉल को हमने शॉर्ट करा ₹5.15 पे। इसका दोस्तों जो लॉट साइज है, अगर मैं बात करूं लॉट साइज है इसका 5,000 का, और यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों इसमें जो ब्रेक इवन बनता है इसमें ब्रेक इवन बनेगा दोस्तों 335 रुपए का। अब हमने 330 वाली कॉल को क्यों ही शॉर्ट करा, हम चाहते तो इसमें फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे या तो हम क्या करते हैं इंट्राडे में हम इक्विटी में पोजीशन शॉर्ट बना सकते, बट दोस्तों वो कहीं ना कहीं रिस्की था। यहां पे कॉल को शॉर्ट करना बिल्कुल भी रिस्की नहीं था, रिस्की था बट दोस्तों वो कैलकुलेटेड रिस्क था। कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो एसएल बनता है दोस्तों वो बनता है 345 के आसपास का। अब 345 वाली कॉल को शॉर्ट करते तो वहां पे क्या था जो बिड और आस्क का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था। तो हमने 330 वाली कॉल को हमने चेक करा, इसमें एक तो आईबी अच्छी खासी बड़ी हुई थी, दूसरा दोस्तों जो आस्क और बिड में डिफरेंस नहीं था, 5-10 पैसे का डिफरेंस था। तो 330 वाली कॉल को शॉर्ट करना बिल्कुल बेस्ट था और अगर आज ये वहीं पे कंसोलिडेट करता तो पता था कि आज ये अच्छा खासा गिर सकता है। तो इसमें जो पोजीशन बनाई थी दोस्तों वो पोजिशनल बनाया है यानी कि 7 डेज बाद जो एक्सपायरी होगी 25 मार्च को, और ये यहीं पे ही अगर घूमता रहेगा 330 के नीचे ही रहेगा तो दोस्तों ये जीरो हो जाएगा। तो यहां पे इस ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होगा 25,000 रुपए के आसपास का।
अब यहां पे दोस्तों समझिएगा इस बात को कि यहां पे मार्जिन जो लगेगा, यहां पे मार्जिन जो लगता है इसमें 4 लाख के आसपास का इसमें मार्जिन लगता है। 4 लाख रुपए के मार्जिन से आपने देखा कि भैया बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और आप फ्यूचर भी शॉर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्की है। आप इक्विटी में काम करेंगे तो इंट्राडे पोजीशन शॉर्ट क्योंकि आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप कॉल को शॉर्ट कर देते हैं तो आपको पता है दोस्तों कि आपके पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए की रेंज में अगर ये घूमता रहेगा तो ये जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी। दूसरी दोस्तों बात है कि अभी सिर्फ 7 डेज बचे हैं तो इतने ज्यादा दिन भी नहीं है, यानी कि आज थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 5 डेज आपके पास है। 5 डेज में अगर ये यहीं पे ही घूमता रहेगा तो वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर आपने 310 रुपए की पोजीशन शॉर्ट में बनाई है और ये 330 रुपए के नीचे भी रहेगा तो ये भी जीरो होगा, और अगर ये फेवर में चलता है तब भी ये वैल्यू क्या है जीरो हो जाएगी। तो ये जो ट्रेड था बिल्कुल कैलकुलेटेड ट्रेड था। आज हमारा 11,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें आया है बट हमने इसे बुक नहीं करा है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों हम इसमें 25,000 रुपए का प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। तो यहां पे दोस्तों आपने कितने इन्वेस्ट करे 4 लाख और आपको रिटर्न कितना आया दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा 4 लाख रुपए लगा के 25,000 रुपए दोस्तों अगर आपको एक वीक में मिल रहे हैं तो कोई बुरा सौदा नहीं है और एक कैलकुलेटेड रिस्क है। तो यहां पे कहना चाहूंगा फ्यूचर से बेटर दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन में आप ट्रेड करिए। तो यहां पे दोस्तों दो दूसरा ट्रेड हमने आपको बताया था, यहां पे बात करेंगे वो था माइंडट्री, इसके बाद टाटा कंज्यूमर। अब एक ट्रेड और था दोस्तों जो हमने बनाया था, यहां पे बात करेंगे, मैं क्या करता हूं यहां पे लेके जाता हूं और दूसरा ट्रेड आपको दिखाता हूं दोस्तों, वो है यहां पे देखेंगे दोस्तों, वो है निफ्टी का। निफ्टी पे आज एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक्सपायरी वाले डे पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा डायरेक्शनल या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अंधाधुन स्ट्रेटेजी बना दी विदाउट चार्ट के, चार्ट देख के आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हमने क्या करा था दोस्तों आपको यहां पर देखेगा, हमने यहां पर अपनी पोजिशन बनाई थी किसमें, यहां पर मैं क्या करता हूं अपने ऑर्डर बुक में जाके आपको दिखाता हूं। अब डेली बेसिस पे ना जो भी हम ट्रेड करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर हमने ये देखेंगे जो एग्जीक्यूट हुआ है हमारा वो 46 रुपए 15 पैसे पे हमने 18 मार्च यानी कि आज के दिन के ही 14,850 की कॉल को शॉर्ट करा था और हमने प्रॉफिट जो बुक करा दोस्तों इसमें, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं यहां पे वो बुक करा था दोस्तों 4 रुपए 40 पैसे पे। तो यहां पे अगर हम पोजीशंस पे जाते हैं और पोजीशन पे जाके जो स्क्वायर ऑफ हुई हमारी पोजीशन निफ्टी की तो हमारा जो प्रॉफिट है हमने जो बुक करा है दोस्तों वो करा है 16,000 रुपए के आसपास का, 15,700 से 16,000 रुपए मान के चलो। अब स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा निफ्टी के चार्ट पे जाता हूं और निफ्टी के चार्ट पे ही आपको समझा देता हूं। अब यहां पे निफ्टी का चार्ट हमने क्या करा आपके सामने लगा दिया और ये जो चार्ट है दोस्तों यहां पे हमने डेली चार्ट लगाया। अब यहां पे दोस्तों देखेंगे ये देखेंगे यहां पे जो निफ्टी जो है अगर मैं बात करूं तो वो काफी टाइम से ना ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। यहां पे देखेंगे ये क्या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था तो हमें पक्का विश्वास था दोस्तों आज बाजार नीचे गिर सकता है। तो हमने क्या करा 14,850 की कॉल को शॉर्ट कर दिया कितने रुपए में, 46 रुपए के आसपास। अब 46 रुपीज पे हमने क्या करा इसको शॉर्ट किया, उस टाइम रेट इसका 14,850 का ही चल रहा था तो इसमें जो डेल्टा था अगर मैं बात करूं डेल्टा था दोस्तों इसमें 0.5 इसमें क्या था डेल्टा था। तो यहां पे हमने ना इसमें कैसल भी ले लिया था। देखो जब भी कोई आप ऑप्शन राइटिंग करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट एसएल कर रहे, विदाउट एसएल कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो चाहे ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो यहां पे हमने ना एक एसएल ले लिया था, वैसे ही लगा लिया था 90 रुपीज का, वो 70, 80, 90 कोई भी आप अपने हिसाब से लगा सकते थे। अब हमने देखा कि भाई 0.5 डेल्टा है उसका, मार्केट नीचे गिर सकता है तो अगर ये एसएल हमारा कटता उसके लिए कम से कम निफ्टी को कितना ऊपर जाना चाहिए था, 100 से 150 रुपए। क्या रीजन था, क्योंकि इसका डेल्टा क्या था 0.5 था और इंट्राडे में दोस्तों इंट्राडे में 100-150 पॉइंट यहां से बढ़ता तो ये वाला एसएल कटता हमारा और ट्रेंड क्या था दोस्तों नेगेटिव था। तो हमने क्या करा, हमने इसकी पुट बाय करने की जगह हमने इसकी कॉल को शॉर्ट कर दिया। चाहते तो हम पुट भी बाय कर सकते थे, उसमें मार्जिन भी कम लगता, उसमें रिटर्न भी जाता था क्योंकि बाजार ज्यादा गिरा था, बट उसमें क्या था यहां पे कहना चाहूंगा तो उसका पुट का रेट था उस टाइम पे अगर मैं बात करूं पुट चल रहा था 260 रुपए के आसपास। तो इसमें जो ब्रेक इवन बनता वो बनता 14,790 रुपए के आसपास, यानी कि 14,790 के नीचे मार्केट जाता तो दोस्तों क्या था ब्रेक इवन होता, यानी कि तब हमें प्रॉफिट आता। बट इतना हमारा हमें यकीन नहीं था कि बाजार इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा, बट हमें लग रहा था 50-60 पॉइंट्स की गिरावट दे सकता है, इससे ज्यादा गिरावट लग नहीं रही थी। बट कहना चाहूंगा दोस्तों तो 14,850 पे हमने जो कॉल शॉर्ट करी थी 46 रुपए की उसको कवर करी हमने 4 रुपए के आसपास, तो 15-16,000 रुपए के आसपास का हमें क्या इसमें प्रॉफिट मिला। 5 लॉट हमने क्या करे थे दोस्तों आज इसमें शॉर्ट करे थे और ये जो ट्रेड था दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों
मैं कह सकता हूँ रिस्क फ्री ट्रेड था, मैं ये कहना चाहूंगा रिस्क फ्री कुछ नहीं होता, बट काफी हद तक रिस्क फ्री था क्योंकि ये एसएल कटने के लिए दोस्तों निफ्टी को कम से कम 100-150 पॉइंट की मूवमेंट करनी चाहिए थी। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि ट्रेंड नेगेटिव था, हमने चार्ट को भी देखा, उसके हिसाब से हमने क्या करा, इसमें पोजीशन शॉर्ट में बनाई और हमें डेल्टा को भी चेक करना कि डेल्टा क्या था। कहने को दोस्तों हम क्या कर सकते थे, यहां पे बोलना चाहूंगा हम चाहते तो 14,900 की कॉल को भी शॉर्ट कर सकते थे। उस टाइम इसका जो रेट चल रहा था 14,900 रुपए की कॉल का चल रहा था 20 रुपए के आसपास, ठीक है। तो और इसका डेल्टा भी था दोस्तों, डेल्टा भी चल रहा था इसका, अगर मैं बात करूंगा तो 0.30 के आसपास इसका डेल्टा चल रहा था, 0.25 या 30 के आसपास इसका डेल्टा चल रहा था। बट कहना चाहूंगा कि यहां पे अगर इसको शॉर्ट कर देते तो यहां पे रिस्क काफी कम हो जाता, बट दोस्तों इतना ज्यादा रिवार्ड नहीं था, पर लॉट हमें 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता यहां पे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप चाहे तो ओटीएम की कॉल को भी शॉर्ट कर सकते थे, बट हमने एट द मनी की कॉल को इसलिए शॉर्ट करा क्योंकि एक्सपायरी डे था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये था क्योंकि ट्रेंड जो था वो नेगेटिव में था, और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या, डेल्टा को भी आपको चेक करना है कि डेल्टा उसमें क्या है। तो यहां पे दोस्तों इस तरीके के ट्रेड आप बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको टेक्निकल के साथ साथ ऑप्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट था दोस्तों वो ऑलमोस्ट 30,000 रुपए के आसपास का बना था। एक ट्रेड और था हमारा, मैं आपको बता देता हूं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये है क्यूमिंस इंडिया, आज हमने शॉर्ट करा था 7.25 रुपए के आसपास, ये भी हमारा जो ट्रेड है पोजीशन में जाएगा, 480 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहां पे अगर मैं टोटल की बात करूं तो 30,000 के आसपास का हमारा जो प्रॉफिट था इंट्राडे में है, जिसमें दोस्तों मैं यहां पे जिंदल स्टील की बात भी करूं कि जिंदल स्टील का भी जो ट्रेड है अभी मैं इसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं दोस्तों 25 मार्च के लिए, और मुझे पूरे यकीन है कि इस ट्रेड में 25,000 रुपए कमाऊंगा। और एक्सपायरी के बाद दोस्तों जो पूरे महीने मेरा ट्रेड था दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा एक्चुअल में लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो उससे क्या एक मोटिवेशन आपको मिलेगी। तो कहना चाहूंगा दोस्तों आप चाहे तो इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं। इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं जिसकी फीस मात्र 7999 है। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाओ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी है, साथ साथ हमारा ऑप्शन का कोर्स भी है, आप चाहे तो ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं। और टेक्निकल के साथ साथ अगर आप ऑप्शन करेंगे तो कहना चाहूंगा दोस्तों आपकी जो एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाएगी, और ऐसे ही दोस्तों मेरी तरह रिस्क फ्री ट्रेड करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों इसमें 59 वीडियोस है, 15 आवर्स का कोर्स है दोस्तों, आप ये दोनों वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। और सपोर्ट की बात करूंगा, सपोर्ट हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, एक तो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो आपको मिलेगा, ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए कितने टारगेट आज हमारे आए हैं इंट्राडे में, ये हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को हम ये वाला ग्रुप देते हैं, स्पेशल ग्रुप है। और इसमें दोस्तों कहना चाहूंगा जो आज हमारी पोजीशन थी दोस्तों यहाँ पे, ये जो हमने निफ्टी में बनवाई थी, तो आज हमने अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को यानी कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भेजी थी, देखिए सेल निफ्टी 18th मार्च 14,850 वाली कॉल को 48 रुपए शॉर्ट कराया था, और दोस्तों यहां पे हमने इसे बुक कराया 4 रुपए के आसपास। तो हमारे जितने भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अर्निंग करी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे टिप्स देते हैं, हम टिप्स नहीं देते, हम चार्ट भेजते हैं जिसको सीख के आप ट्रेड बना सकते हैं। जब कोई अच्छा ट्रेड होता है दोस्तों वो यहाँ पे रिकमेंड कर देते हैं, और 3-4 दिन से हम लगातार ट्रेड बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शंस के, और तीनों चारों दिन प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ग्रुप आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, हर संडे मैं फ्री वेबिनार करता हूँ, फ्री वेबिनार का भी हिस्सा बन सकते हैं, वो वेबिनार सिर्फ कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल को पिक भी करूंगा और साथ साथ आपकी क्वेरीज को सॉल्व भी करूंगा, और बीच बीच में मीटअप भी करते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स जरूर लीजिएगा, और कहना चाहूंगा दोस्तों ये कोर्स करने के बाद आपकी एक्यूरेसी 70-80% हो जाएगी, और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड आप बना सकते हैं। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन दोनों ब्रोकर के पास आप किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे के वेबिनार में आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।